मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विधानसभा धारचूला के बरम क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन के श्रमिक भाई बहनों को मतदाता के अधिकार की जानकारी दी गई और उन्हें अपने घर परिवार और क्षेत्र में भी जागरूकता फैलाने की अपील की गई और साथ ही मतदान की अपील भी की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 110 श्रमिक भाई बहनों ने भाग लिया। क्षेत्र के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इनमें इंजीनियर राकेश वर्मा, जिला समन्वयक AR दताल और ब्लॉक समन्वयक स्वीप शंकरदत्त भट्ट आदि उपस्थित रहे। परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखेंगे और निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक बार ऐसे ही रहेंगे। तहसीलदार बंगा पानी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बूथ बूथ पे जाके कार्यक्रम कराया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम तरह ग्राम गुइया व पंता गांव में जाकर प्रवासी मतदाताओं को उनके घर जाकर उनसे फोन पर बात की तब मतदान के दिन अपने गांव आकर मतदान करने की अपील की गई। ग्राम पंता गांव में घर घर जाकर 80 से वर्ष के अधिक लोगों को मतदाता के लिए प्रेरित किया। घर से बाहर रहने वाले मतदाताओं को भी फोन के माध्यम से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। घर से बाहर रहने वाले मतदाताओं को फोन पर बात कर बड़ा सुकून महसूस किया। अपने बूथ में आकर मतदान की अपील भी की गई। ग्राम में मतदाताओं को मतदान की शपथ में दिलाई गई। भ्रमण के दौरान होमगार्ड जवान खीम सिंह इत्यादि का पूरा स्टाफ उनके साथ मौजूद था। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा के साथ गांव गांव पहुंच के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान करने की अपील ग्रामीण वासियों से की जा रही है। धर्म वर्ग वर्ग जाति जाति समुदाय समुदाय भाषा भाषा अथवा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपनी अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। लोग कहाँ मिलते हैं तो मेरा तो आज बड़ा सौभाग्य हुआ कि हमारा भी ऐसा आपके दर्शन हुए, हमारा भी सौभाग्य हुआ। आप वोट देने जरूर जाएं और जाएंगे NHPC धारचूला के द्वारा मतकोट में लगाया गया मेडिकल कैंप। मेडिकल कैंप में विधायक रहे मुख्य अतिथि के रूप में। विधायक का स्वागत मुख्य महाप्रबंधक राजीव जैन के द्वारा बुके देके किया गया और परंपरा के अंतर्गत विधायक को शॉल उड़ाकर टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि ग्रुप महाप्रबंधक श्री राजीव जैन के द्वारा मेडिकल कैंप की मतकोट में व्यवस्था की गई है। निशुल्क चिकित्सा शिविर धौली गंगा पावर स्टेशन के सौजन्य से है। यह अंगवस्त्र पहना के विधायक हरीश धामी का मुख्य महाप्रबंधक राजीव जैन के द्वारा स्वागत सम्मान कार्यक्रम किया गया। स्वागत सम्मान कार्यक्रम के बाद लगातार अतिथियों का स्वागत क्षेत्र के लोगों ने किया। वहीं मल्लिकार्जुन स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा राजीव जैन इनका स्वागत एक बुके से करें। कि हमारे परियोजना प्रमुख श्री राजीव जैन का वो अंगवस्त्र द्वारा स्वागत करें। इस पे कुछ वचन प्रस्तुत करें। आज मतकोट में मेडिकल कैंप के शुभारंभ पर सर्वप्रथम NHPC के मुख्य महाप्रबंधक राजीव जैन जी का और उनके साथ आए हुए उनके तमाम स्टाफ का और यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधु और यहाँ पर उपस्थित जितने भी आप लाभार्थी यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
मुख्य अतिथि के स्वागत सत्कार के बाद मेडिकल कैंप में विधिवत रूप से डॉक्टरों से मुलाकात विधायक ने की और विधायक ने रिबन काट के उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उक्त कार्यक्रम के शुभारंभ में महाप्रबंधक राजीव जैन, विधायक हरीश दामी, वरिष्ठ प्रबंधक रवि कुमार, प्रबंधक बंजारे, प्रबंधक अनिमेज चर्च, प्रबंधक हेम पांडे सभी वरिष्ठ प्रबंधक हैं। देवेंद्र वर्मा, राजेश शुक्ला, डॉक्टर गोकर्ण जंगबांगी, मेडिकल स्टाफ, एनएचपीसी के पूरे स्टाफ के लोग, 100 स्कूली बच्चों सहित 400 लोगों को इस मेडिकल कैंप में निःशुल्क दवाई वितरण का लाभ मिला है। विधायक ने सभी को धन्यवाद दिया है। पुलिस व एसएसबी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया फ्लैग मार्च आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, सकुशल, शांतिपूर्वक संपन्न कराने जाने हेतु एसएसबी व पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा शहर क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस दौरान संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण भी किया गया। फर्जी प्रमाण पत्र कागजात बनाकर प्रधान बनकर चुनाव प्रणाली व जिला प्रशासन से कर दी धोखाधड़ी। कोतवाली धारचूला पुलिस ने प्रधान पति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रधान सहित अन्य 3 अभियुक्तों को भी कराया गया नोटिस तामील। हेमा देवी प्रधान गलाती धारचूला के फर्जी शिक्षक प्रमाण पत्रों के आधार पर चुनाव प्रणाली के साथ धोखाधड़ी के संबंध में धारचूला निवासी जो कि गलाती के ही रहने वाले हैं श्री हरि प्रसाद द्वारा जिलाधिकारी महोदय को तहरीर दी गई थी, जिसमें हेमा देवी द्वारा कक्षा 5 व कक्षा 8 के जाली प्रमाण पत्र बनवाकर निर्वाचन कार्यालय धारचूला, जिलाधिकारी कार्यालय धारचूला को पिथौरागढ़ को झूठी जानकारी दी गई थी। जिलाधिकारी कार्यालय तहरीर पिथौरागढ़ पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के दिशा निर्देश में कोतवाली धारचूला में उक्त प्रणाली संबंधित 3 लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि गायत्री विद्या मंदिर धारचूला के तत्कालीन प्रधानाचार्य के विरुद्ध भी इसमें धारा 420 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान मुख्य अभियुक्त के रूप में प्रधान हेमा के पति हरिराम पुत्र स्वर्गीय बच्चीराम निवासी रूपकेत गलाती का होना प्रकाश में आया है। उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेज दिया गया है। आईटीबीपी लोहागा चंपौत द्वारा जीवंत ग्राम वाइब्रेंट विलेज सेला छारचुम में वेटनरी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सीबीओ अशोक अरेन, श्यामपाल सिंह, तेलुराम, मनदीप, भवा नब्याल और अन्य कर्मी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में गांव के लोगों के कुत्ते, गांव के लोगों के अन्य जानवरों का ट्रीटमेंट किया गया और उनको निशुल्क दवा वितरण किया गया। बता दें कि आईटीबी छत्तीसवाणी लगातार इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में करती है। वाइब्रेंट विलेज सेला छारचुम में आज वेटनरी कैंप में काफी लोगों को लाभ मिला। Please do like, share and subscribe DCL News.